नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो आप लेक्चर को एंजॉय करो। यहाँ पर अगर आपको कभी भी बोला जाए कि वी हैव रिटन ए टू द पावर एम, तो यहां पर ए को क्या बोलते हैं? बेस। इस ए को क्या बोलते हो? दिस इज कॉल्ड बेस। और ये जो एम दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? इंडेक्स। सारे के सारे चीज बराबर। ये क्या हो गया? बेस। इसका बेस है तो बस एक ही नाम है, बेस। उसके कितने नाम है? एक्सपोनेंट बोलते हैं, कभी पावर बोलोगे, कभी इंडेक्स बोलोगे। हम लोग जो अभी सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 होगा, दैट इज बेस्ड ऑन दिस इंडेक्स या पावर। ये पावर पे रूल्स कैसे कैसे काम करता है, ये रूल्स आपने बेटा पहले भी पढ़ा है, कोई नया चीज नहीं पढ़ोगे, बट अब आपको सारे रूल्स याद होने चाहिए। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि सीयूटी में भी इसका रिलेवेंस रहेगा और क्लास 12 में भी बहुत सारे चैप्टर्स में आप इसको यूज करोगे। डायरेक्टली ये टॉपिक नहीं आएगा, बट इसका जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप उसको यूज करोगे। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस। तो चलो लिखो एक्सरसाइज 2.1। तो यहां पे लिखो आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या फिर इंडाइसेस। क्या आप लोगों ने ऐसा प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ा है? ए टू दी पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए टू दी पावर एन, क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड, ए टू दी पावर एम प्लस एन। ठीक है, इसमें हमेशा ध्यान क्या रखना बेटा कि इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए ये जो बेस है, ये बेस हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी ये प्रॉपर्टी लगेगा। सबसे पहला, सेकेंड नंबर, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, क्या बोलते हैं इसको? इसमें भी क्या ध्यान रखना हम लोगों को? जो बेस है ये बेस हमेशा सेम होना चाहिए। चलो थर्ड, a टू दी पावर m इस होल का पावर n, a टू दी पावर m इंटू n, इसको एक साथ लिख सकते हैं। ओके चलो, फोर्थ नंबर, ए टू द पावर माइनस एन, वन बाई ए टू द पावर एन, या फिर इसको वन बाई ए इसका पावर होल एन, दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो कभी आप इसको भी यूज करोगे, कभी हम लोग इसको भी यूज करेंगे। बहुत सबसे ज्यादा जो चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो सबसे पहले ये है। ये अगर आपको याद है तो जो पहले एक्सरसाइज है इसी पे बेस्ड है, और इसके कुछ और कोलोरलिनीज निकलेगा भी, उस पर हम लोग बेस करेंगे। चारों लिख लिया। पांचवा नंबर, इफ इट इज रिटन ए टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाई बी टू द पावर एम, इसको कैसे लिख सकते हैं? ए इंटू बी इंटू का पावर। अब यहां पर क्या ध्यान देना है, क्या क्या चीज यहां पर सिमिलर था इस LHS वाले केस में? यहां इसका भी पावर m है और यहां भी इसका भी पावर m है। अगर पावर सेम हुआ तो हम दोनों बेस को एक साथ मल्टीप्लाई करके पावर्स में डाल सकते हैं। सिक्स नंबर, सेम गोज विद डिविजन। अगर यहां पे इसका पावर m है, इसका पावर भी m है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a बाई बी इस होल का पावर। इफ, इसके आगे लगा लेना इफ। अगर आपको ये कंडीशन दिया हुआ है, इफ ए टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर, व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी? ये गिवन है, LHS इज इक्वल टू RHS, ये गिवन है, तो क्या बोल सकते हैं और बी के बारे में? ए इज इक्वल टू
अगर बेटा यहाँ पे पावर सेम सेम है और आपके दोनों बेसिस के बीच में जो साइन लगा हुआ है वो इक्वालिटी का साइन लगा दिया गया हो, तो ये केस कब पॉसिबल होगा? जब ए और बी दोनों एक दूसरे से इक्वल होगा। ठीक है, सो इफ पावर्स आर सेम, क्या बोलते हैं इसको? इफ पावर्स आर सेम और बीच में इक्वालिटी का साइन है, दैट मीन्स बेस हैज टू बी सेम। ठीक है, चलो इसी का एक और पार्ट आ जाता है, लास्ट पार्ट, 8 नंबर। यहां पर आपके सामने इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहां पे क्या सेम है, यहां पे क्या सेम है? यहां पे बेस सेम है। अगर बेस सेम और बीच में इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है तो आप क्या बोल सकते हो? पावर सेम होना चाहिए। दिस इंप्लाइज एम शुड बी इक्वल्स टू एन। बस ये 8 प्रॉपर्टीज है। और एक 9th नंबर है, वो जबरदस्ती का है, बट आप लिख लो, एनी थिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। ये कैसे 1 आता है ये पता है ना? सपोज आपको ए टू द पावर एम बोला गया है, क्या हम ए टू द पावर एम, ए टू द पावर 0 को ऐसे लिख सकते हैं? ए टू द पावर 0 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ए का पावर एम माइनस एम, एम माइनस एम क्या हो जाएगा? 0। अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगर यहां माइनस का साइन है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहां पे माइनस का साइन लगा हुआ है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन, आंसर क्या आएगा? कैंसिल होके 1। इसलिए किसी भी चीज का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? हमेशा 1 होता है। इट स्टैंड्स फॉर दीज प्रॉपर्टीज, स्टैंड्स फॉर ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना हम लोगों को पहले एक्सरसाइज के लिए। तो पहला एक्सरसाइज आसान लगेगा? लगेगा, चलो वेलकम। आइए एक्सरसाइज 2.1 ओपन कर। इजी लग रहा है देखने में? आपको सिंप्लीफाई करना है तो पहले कुछ क्वेश्चंस तक बस यही करना है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों को सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना है। सबसे पहले वाले पार्ट आओ, क्या ये देखने में आसान लग रहा है? वेरी गुड, जाओगे हवा, ठीक है, देखने में आसान लग रही है, इजी है, चलो सॉल्व करते हैं फिर। पहले क्या करोगे बताओ? जो मन चाहे, इसका कोई सॉल्व करने का पर्टिकुलर तरीका नहीं होता, आपको जो मन करे वैसे कर सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे? 3 का 3 करोगे, 3 का पावर 4। अच्छा, यहां पर आप बोल रहे हो 3 का पावर 4, नीचे में, अच्छा पहले बस माइनस साइन हटाना चाहते हो। ओके, दिस इज इक्वल्स टू, आपने माइनस साइन हटाया, 16/81, इसका पावर क्या हो गया? 3/4। अब क्या करोगे? इसको 2 का 4 करो, 2 का पावर 4 करोगे, और इसको 3 का पावर 4 करोगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे फ्रैक्शन में पावर है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करने में अगर फ्रैक्शन में पावर है, सबसे पहला काम उसको हटाने का कोशिश करना। तो चलो इसको लिखेंगे 2 का पावर 4, दिस इज 3 का पावर 4, और इसका पावर 3/5। कोई प्रॉपर्टी यूज हो रहा है यहां पे? 2 का पावर 4 है, यहां पे 3 का पावर 4 है। क्या लिख सकते हैं इसको? 2/3 का पावर 4। अभी पहले पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो सब ना एक बार लिखना, क्योंकि आपको जो आंसर्स लिखने होंगे एग्जाम में, आपको रीजनिंग भी देना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन सीयूटी में आएगा, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, शॉर्टकट मारना, लेकिन जब सॉल्व कर रहे हो तो पूरा प्रॉपर्टी यूज करोगे। यहां प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? ए का पावर एम था, बी का पावर एम था, तो इसको क्या लिख सकते हो? ए बाई बी का पावर एम, हमने ये प्रॉपर्टी यूज किया यहां पे। ठीक है, इसका पावर 4, इसका पावर 4, तो इसको कॉमन ले लिया। अब कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा? प्रॉपर्टीज आपको लिखने हैं, तो बताइए ए का पावर एम और पूरे का पावर एन, तो क्या लिख सकते हैं? ए का पावर एम इंटू एन। तो आपने बोला कि यहां पर ए का पावर एम है और इस होल का पावर एन है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? ए का पावर एम इंटू एन। चलो इसको यूज करते हैं, 2/3 का पावर 4 इंटू, कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा यहां पे? 2/3 का पावर 3। 2 का पावर 3 कितना हो गया? 8। ये कितना हो गया? दिस इज द आंसर।
जब आप स्कूल एग्जामिनेशन में आंसर लिखेंगे इसका, हालांकि ये बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा, इसका आंसर आप बिना इतना सॉल्व के भी निकाल सकते हैं। स्कूल एग्जाम में पूरा प्रॉपर्टीज को शो करना है। यही क्वेश्चन एमसीक्यू का है या सीयूटी में डायरेक्ट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं अगर आपने बना लिया तो। नाउ दिस इज सेइंग 161/4, सबसे पहले क्या करोगे इसको? तो इसको 125/64 बोल सकते हैं। अब क्या करोगे? सबसे पहले माइनस हटाना चाहोगे, तो माइनस को हटाते हैं। दिस इज 64/2/3। प्रॉपर्टी यूज हुआ है कोई सा? कौन सा यूज किया आपने? ए का पावर माइनस एन इज इक्वल्स टू ए का पावर दिस। प्रॉपर्टी जरूर लिखना बेटा, स्कूल एग्जाम में मार्क्स हट सकते हैं। ऐसे सीयूटी में किसी की जरूरत नहीं है, बट आपको स्कूल में लिखना है। अब क्या करोगे? 4/3/5/3, इसका पावर 2/3। कोई प्रॉपर्टी यूज होगा? 4/5/3/2/3। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया आपने? ए का पावर एम, बी का पावर एम, ए बाई बी का पावर एम। ठीक है, चलो आगे मल्टीप्लाई कर दे। 4/5 × प्रॉपर्टी यूज हुआ 3/3 कैंसिल, 4/2 16/25। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये देखो, क्वेश्चंस बहुत आसान है। इंपॉर्टेंट ये कि आप इसके जो रीजनिंग और प्रॉपर्टीज आपने यूज किया है, आप उसको आंसर का पार्ट बनाएं, क्योंकि यू डू नॉट नो आपके स्कूल में मार्क्स काट दिया जाए। कोई नहीं भी काटेगा, कोई काट भी देगा, तो फॉर सेफ एंड आपको बनाना है। दोनों आसान है, चलिए पहले वाले पे आते हैं। आपको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला काम क्या करोगे? ये बी का पावर क्या दिया हुआ यहां पे? -1, तो इसको क्या बोलेंगे? 1/b। तो यहां पर आप लिखोगे दिस इज 1/b। यहां पे क्या करोगे? 1/a। अब बी को कहां भेज सकते हैं? भेज पाओगे? ठीक है, तो दिस विल बी, ऊपर में क्या हो जाएगा फिर? 3ab। यहां पे क्या हो जाएगा? ba को ab लिख सकते हैं। तो क्या हो गया ये यहां पर आंसर? दिस इज 5ab। बहुत आसान है। 5/0 क्या हो जाएगा वैल्यू? एनीथिंग टू द पावर 0 वैल्यू 1, दिस इज इक्वल्स टू 1 इनटू 4/1/4 प्लस 8/1/3। इसको ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो ये आ गया 1/4 प्लस पावर मल्टीप्लाई होगा, प्रॉपर्टी यूज हुआ है 1/4 प्लस दिस कैंसिल, यहां पे आया 2। तो आंसर क्या हो गया? एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके क्या आएगा? 4 × 8 9/4। वेरी इजी। थर्ड का पार्ट वन होमवर्क, सेकंड पे आओ। कर रहे थे? हो गया था? चलो थर्ड का पार्ट वन होमवर्क, पार्ट टू। −1/3 क्या करोगे? सबसे पहले 27/100। सबसे पहला काम करोगे, डेसिमल में सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। हालांकि डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो डेसिमल में, बट वो प्रैक्टिस नहीं है हमारे पास। तो क्या करेंगे? सबसे पहले डेसिमल्स में ले आते, हटाते, क्या लिखोगे? 100 की 1000। तीन नंबर है ना? ठीक है, 1/3। अब माइनस साइन हटाओगे, क्या हो जाएगा फिर? 1000/27, 1/3। अब क्या करोगे? 10^3/3
थ्री का पावर 1/3। जब बेटा ये क्वेश्चंस एमसीक्यू में आएंगे ना, आप दो तीन स्टेप बीच का उड़ा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जब स्कूल एग्जाम में सॉल्व करोगे हर स्टेप को डालना, ठीक है। चलो पावर्स मल्टीप्लाई करें, 10/3 प्रॉपर्टी यूज हुआ है, ए एम इंटू एन वाला। लास्ट आंसर 10/3 आसान है, पार्ट वन होमवर्क मिल जाएगा, पहला होमवर्क आज का 3 का 1 3 खत्म, 4 पे आओ। चलो सबसे पहला काम क्या करोगे, वन बाई, इसको सबसे पहले पावर जो माइनस में उसको हटाना चाहोगे आप, ठीक है। चलो हटाते हैं, दिस इज 1/8, इसका पावर, इसको आप 4/3 डिवाइडेड बाई इसका 1/2 का पावर 2 और इस होल का पावर 1/2। चलो अब बताओ क्या किया जाए, यहां पे 1/8 है, 8 को क्या बोल सकते हैं, 2 का पावर 3, तो आप इसको बोलेंगे 1/2 इसका पावर, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऊपर में 1 है उसका तो कितना भी पावर लगा वही रहेगा, तो यहां पर आपने 3 डाला और उसके ऊपर में क्या पावर है, यहां पे 4/3 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा। अच्छा अभी ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा आंसर सिंपल होने वाला है, दिस इज 1/2 का पावर 2, 1/2 यहां पे कैंसिल आउट होगा कुछ कुछ, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगे तो 3 और 3 जाएगा, क्या बचेगा 1/2 का पावर डिवाइडेड बाई 1/2 का पावर 2, सिंप्लीफाइड हो गया। अब यहां पर ये डिवाइड आ रहा है, डिवाइड के केस में क्या लिख सकते हैं हम लोग पावर्स को, ठीक है। अब इसी चीज को देखो बेटा, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, a का पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, तो मतलब ये वाला प्रॉपर्टी लगने वाला है। अब इसको डायरेक्ट शॉर्ट में क्या बोला जा सकता है, a का पावर m माइनस n, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, यही दिया हुआ है ना, तो इसका डायरेक्टली पावर्स को माइनस कर दे। चलो तो 1/2 है और इसके पावर्स माइनस होंगे, तो 4 माइनस 2 और बाहर में यहां पर है 1/2, ठीक है। चाहते हैं हम इसको अलग अलग डिवाइड करते तो अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाला पैटर्न दिया हुआ तो हम लोग इसको यूज कर ले रहे हैं शॉर्ट में। आओ दिस इज 1/2 का पावर 2 और इस होल का पावर 1/2, पावर्स मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या बचेगा, 1/2। चलो क्वेश्चन नंबर 3, 5 का पार्ट 2, पार्ट 1 आपके लिए होमवर्क। सबसे पहला काम, थ्री का पावर 2, 5/2 माइनस, क्या करोगे यहां पे, 3 × 1 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा यहां पे 3 माइनस, यहां पे क्या करोगे 81 का पावर 1/2, ठीक है। आगे 3 × 2 ये पावर कैंसिल आउट होगा एक दूसरे से, तो ये बचेगा 3 का पावर 5 - 3 माइनस 81 को क्या बोलोगे, 9 ठीक है, पावर्स कैंसिल आउट होंगे, दिस इज 3 का पावर 5 - 3 माइनस, पावर यहां पे गया, ये क्या बचा 9। अच्छा ये 9 है, 9 को हम लोग स्क्वायर लिख सकते थे यहां पे, लेकिन बताओ हम लोगों ने कोई ऐसा प्रॉपर्टी पढ़ा है, a का पावर m माइनस a का पावर n, क्या हम लोगों ने इसका कोई रिजल्ट पढ़ा है अभी तक, ऐसा कोई प्रॉपर्टी है हमारे पास, कौन सा है, हाँ है, कौन सा है बताओ, बताओ चेक करो, क्या हम लोगों ने ऐसा कोई प्रॉपर्टी पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, कंफ्यूज नहीं होने का कभी, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, m माइनस n, ये पावर्स में माइनस पढ़ा हम लोगों ने, क्या हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा है,
ये गलती आपसे नहीं, बहुत बार किसी से भी हो जाएगी, ऐसा देखकर ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना, हम लोगों ने ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। चलो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वी नीड टू डू द पावर मल्टीप्लीकेशन। 3 3 9 27 81 और फिर 243 -3 -12, तो ये हो गया 12, क्या बचा 231। 81 को क्या किया आपने, 3 का पावर माइनस, यहां पे क्या किया आपने, तो इसको 32 का पावर प्लस, यहां पे 2 का पावर, इसको क्या किया आपने, इनटू 1, यहां पे 2 का पावर 3 डाला है, इसको आपने रेसिप्रोकेट किया और वहां पे 2 का पावर 0 1 आ गया, पावर्स यहां पे कैंसिल आउट होगा, 4 और 4 गया तो क्या बचा, 3 का पावर 3 माइनस 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 प्लस, पावर्स यहां पे कैंसिल आउट होंगे तो बचेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय यहां भी क्या है 2 इंटू 1, 3 3 9 और 27 माइनस, यहां भी पावर्स कैंसिल आउट होंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 27 माइनस 4 प्लस 4, आंसर। तो देखने में बहुत डरावना था, बहुत सिंपल सॉल्व हुआ। ध्यान क्या रखना बेटा कि इसके जो कैलकुलेशंस होते हैं ना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाए बस। सो इफ यू नो द प्रॉपर्टीज, आपको प्रॉपर्टीज आता है, कभी भी गलती नहीं होगा। एक ही गलती होता है, क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक, वो नहीं करना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन रियल का स्टार्ट होगा जिसमें मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलो अगर यहां पे कोई भी पावर, कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो ये कौन सा रूट होता है, 1/2 इसका पावर है, तो आपने यहां पे लिखा 2 का स्क्वायर इसका पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, बेटा यहां पे रूट पे 4 लगा हुआ है तो पावर क्या होगा इसका, 1/4, तो 256 इसका पावर हो गया 1/4, यहां पे रूट के ऊपर क्या नंबर है, 3, तो ये 1/3 का पावर है, क्यूब रूट है ये समझ है ना, ओके 64 का पावर 1/3 माइनस, क्या करोगे इसको, 2 का पावर 2, सीधा भी लिख सकते हैं, अभी चल रहा है तो इसलिए रहने देते हैं, सीधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां पे पावर कैंसिल, 2 इंटू 256 है, यहां पे 4 का पावर 4 64, इसको क्या लिखोगे, 4 की पावर 3 माइनस 4, टू इन टू पावर्स कैंसिल होगा, 4 4 गया दिस, यहां पे बचा 4, यहां भी पावर्स कैंसिल होगा, यहां पे क्या बचा 4 माइनस 4, 4 एंड 4 कैंसिल, 2 माइनस 4 आंसर माइनस 2। बड़ा सा बस दिख रहा था, सॉल्व बहुत आसानी से हुआ है। चलो सबसे पहला क्या काम करोगे, क्या करोगे, बेस इक्वल हो सकता है, सबसे पहला क्या काम करोगे, बेस इक्वल होना पॉसिबल है कि नहीं, देखो बेटा यहां पे क्या है, 3 है, यहां पे क्या है, 9, तो ये 3 में आ सकता है ना, यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, इसको 2 पे ला सकते हैं तो बेस सेम हो जाएगा, ऊपर नीचे में यहां पे 4 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1/2 है, इसको अभी रहने देते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आप बेस को सिमिलर करोगे, 3 का पावर -6/7 मल्टीप्लाइड बाय, अगर इसको 9 को 3 में लाओगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा तो उसको पावर्स, ये आ गया 3 का स्क्वायर, यहां पे है 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर 6/7, इसको क्या करोगे, 2 का स्क्वायर -3/7 डिवाइडेड बाय, इसका कोई फायदा नहीं है तो इसको कर ही देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 1/4। चलो तो यहां पे पावर्स आ गया, पावर्स इमेजिन कर लोगे ना, ये 6/7 हो जाएगा,
कि एक स्टेप बढ़ा दो, अगर चलो स्टेप नहीं बढ़ाते अभी सॉल्व करो, ये हो जाएगा 6/7, यहां पे भी क्या हो जाएगा पावर -6/7। अब यहां पे आपके सामने दो बेस सिमिलर है, a का पावर m इंटू ए का पावर n, तो क्या लिखेंगे दोनों को, पावर को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, a का पावर m इंटू ए का पावर n, तो m प्लस n हो जाएगा पावर्स, तो इनका आपने ऐड कर दिया। सिमिलरली यहां भी a का पावर m, a का पावर n, दिस इज 6/7 प्लस 6/7, हो गया सिंप्लीफाइड। अब इसके पावर्स क्या दिख रहे हैं आपको, -6/7 प्लस 6/7, ये क्या हो जाएगा टोटल 0, एलसीएम 7 लोगे तो ये तो 0 हो गया। अच्छा नीचे में डिवाइड, अरे हम लोग डिवाइड तो लिखे नहीं, चलो बाद में लिख देना, यहां पे डिवाइड है, डिवाइड दिस, यहां पे भी है डिवाइड दिस। चलो आगे आते हैं हम लोग डायरेक्टली, 3 का पावर 0, 2 का पावर 0, तो ये ऊपर में तो 1 हो जाएगा दोनों, तो अपने नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर देते, एलसीएम ले लो नीचे में 4 का, तो ये 16, 4 4 16, दिस इज प्लस 1, दिस इज प्लस 1, यहां पे आ गया 1/21/4, तो आंसर 4/21। बेस को सेम लेते हैं, पहले यहां पे 25 है, यहां पे 5 है, तो 25 को 5 बनाया जा सकता है, चलो पहले बेस को सेम लाते हैं। अच्छा यहां पे 2 इंटू दिस दिया हुआ, इसको ओपन कर सकते हैं ना हम लोग, 2x + 12, यहां पे आते 5 का स्क्वायर, इसको 2x - 7 ऐसे लिख लो, अब इसके पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, यहां पर a का पावर m, होल का पावर n, तो पावर्स मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 4x - 14। बताओ क्या कर सकते हैं यहां पे, a का पावर m इंटू a का पावर, तो पावर्स ऐड हो जाएगा, ठीक है चलो पावर्स ऐड करो, 2x + 12 प्लस 4x - 14, कैंसिल आउट हो रहा है कुछ कुछ, तो यहां पे प्लस 12, यहां पे -12, यहां 4x, यहां पे 2x, 6x - ठीक है यहां तक। अब क्या करोगे, यहां पे बेस है 5 का, नीचे में बेस है 1 2 5 का, क्या 1 2 5 को 5 बनाया जा सकता है, 5 का पावर 3, बनाओ इसको, नीचे में क्या हो जाएगा पावर्स मल्टीप्लाई होके 6x, 5 का पावर 6x। अब क्या करोगे, a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n, पावर्स क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, चलो तो दिस इज 5 6x - 2 - 6x, कैंसिल आउट हुआ, 6x + 6x - गया, तो आंसर है 5 का पावर -2, तो आंसर आ गया 1/25। देखने में अजीब सा था, सॉल्यूशन सिंपल है बेटा, इंडाइसेस में कभी भी मार्क्स कोई लूज नहीं करता है, अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया हो उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज लगाने में द मोर यू प्रैक्टिस ये प्रॉपर्टीज आपको याद भी हो जाएगा, और क्वेश्चन देखते स्टार्टिंग में डर लगेगा बट अल्टीमेटली बहुत सिंप्लीफाई होकर बहुत सिंपल से सॉल्व होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना बस। डन, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, never miss an update.